सन 1947, बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता। गदर और लगान में क्या थी समानता? फिल्म लगान से किसके मिले थे दिल और गदर में किसकी हुई थी हवा टाइट? क्या गदर 2 की कास्ट हो गई है रिवील? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों 20 साल पहले दो सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई थी, पहली आमिर खान की लगान और दूसरी सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा। दोनों ही फिल्में अपने आप में खास थी। लगान फिल्म के साथ आमिर ने बतौर निर्माता भी बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी और फिल्म लगान का निर्देशन आशुतोष गवारकर ने किया था। वहीं दोस्तों सनी देओल की फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा के हाथों में था। बता दें कि लगान फिल्म को भारत में टैक्स फ्री कर दिया गया। दोस्तों बता दूं कि ये फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर में फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई थी। हालांकि फिल्म को अवार्ड नहीं मिल पाया था। वहीं सनी देओल की फिल्म गदर के प्रति लोगों में जो पागलपन था जो शायद ही किसी फिल्म के लिए देखा गया हो। दोस्तों बता दूं कि गदर फिल्म की कहानी अनिल शर्मा ने सबसे पहले धर्मेंद्र को सुनाई थी। इसके बाद इसकी कहानी सनी देओल के पास आई और इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया था। वहीं दोस्तों आशुतोष गवारकर की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान वैसे तो सबसे पहले आमिर खान को ही ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया था। बाद में निर्देशक शाहरुख के पास गए लेकिन शाहरुख ने भी इसे करने से इनकार कर दिया और आशुतोष एक बार फिर आमिर खान के पास पहुंचे और फिर आमिर ने इसमें काम करने के लिए हामी भरी थी। बता दें कि लगान और गदर दोनों में ही पैसा पानी की तरह बहा था, मतलब दोनों की मेकिंग में काफी खर्चा हुआ। गदर और लगान फिल्म की यूनिट करीब 300 लोगों की थी और फिल्म की शूटिंग के नियमों को लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों सख्त थे। सही वक्त पर शूटिंग हो जाए इसके लिए नियम बनाए गए थे। दोस्तों बता दूं कि पंजाब और लखनऊ के कुछ हिस्सों में शूट हुई इन फिल्मों में पानी की तरह पैसा बहाया गया था। लगान में आमिर खान का पैसा खर्च हुआ था क्योंकि इस फिल्म के साथ आमिर ने बतौर निर्माता भी बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत की थी। गदर में जी ग्रुप का पैसा लगा था। अब दोस्तों लगान रील और रियल लाइफ में एक इंसान के असंभव सपनों और पैशन की कहानी थी। इस वक्त मेन स्ट्रीम बॉलीवुड इंडस्ट्री में पीरियड ड्रामा क्रिकेटर्स की कहानी को दौर नहीं था लेकिन आमिर खान ने बॉलीवुड का ट्रेंड बदल दिया। वहीं गदर ने लोगों को में फिल्म के प्रति पागलपन दिखाया। अब एक तरफ जहां लगान में दिल मिल रहे थे तो वहीं दोस्तों गदर में सनी के गुस्से से लोग डर रहे थे। लगान फिल्म के दौरान ही आमिर खान को किरण राव मिली थी जो अब आमिर की एक्स पत्नी है लेकिन सनी देओल के सामने अमीषा पटेल हमेशा डरी हुई रहती थी। दोस्तों बता दूं कि सनी देओल को देखकर लोग सेट पर डरते थे और यहां तक कि फिल्म की हीरोइन अमीषा अपने डायलॉग भूल जाती थी। उन्हें शूटिंग से घंटों पहले बुलाया जाता था ताकि वो अच्छे से रिहर्सल कर सके लेकिन सनी देओल के सामने आते ही उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। गदर और लगान फिल्म में काफी फर्क था। सनी देओल की फिल्म गदर को लेकर लोगों में पागलपन था। हालांकि आमिर खान की फिल्म लगान भी लोग देखने के लिए गए थे लेकिन गदर जैसा नजारा देखने को नहीं मिला। गदर एक प्रेम कथा का पहला शो सुबह 6 बजे से शुरू किया गया था और दोस्तों सनी देओल के दीवाने ढोल ताशे लेकर ये फिल्म देखने पहुंचे थे। भीड़ इतनी थी कि सिनेमा हॉल के भीतर घुसने तक को जगह नहीं बची थी। जितने लोग सीटों पर बैठे थे उतनी ही पब्लिक सिनेमा घर के भीतर खड़े होकर सिनेमा देख रही थी। फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था। अब लगान के मुकाबले गदर का कलेक्शन काफी ज्यादा था, साथ ही इसका म्यूजिक भी बहुत बिका था। अब दोस्तों दोनों ही फिल्मों को एक बराबर नॉमिनेशन मिला लेकिन दोस्तों जब अवार्ड मिलने की बारी आई तो सबसे ज्यादा अवार्ड्स लगान को मिले। गदर को सिर्फ एक अवार्ड हासिल हुआ और एक तरफ से आमिर खान के साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी, वहीं सनी देओल अकेले थे। लगान को भारत में टैक्स फ्री कर दिया गया था। इससे पहले भी आमिर खान और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हुई थी और दिल और घायल भी एक ही दिन रिलीज हुई थी और अच्छा प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि फिल्म लगान और गदर एक प्रेम कथा 15 जून साल 2001 में रिलीज हुई थी और अब गदर का सीक्वल आ रहा है लेकिन दोस्तों लगान का कोई सीक्वल की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन क्या गदर 2 में फिर से वही पागलपन दिखेगा? बता दें कि गदर 2 की कामयाबी का पता हम इसकी कास्ट से लगा सकते हैं। इसकी कास्ट में सनी देओल, अमीषा पटेल, कृति सानन, उत्कर्ष शर्मा विलन के तौर पर, प्रकाश राज उत्कर्ष के दोस्त के रूप में, राजपाल यादव आदि नजर आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसकी कहानी अब की बार सिर्फ दो धर्मों तक ही नहीं बल्कि दोस्तों उससे कहीं आगे के रियल इवेंट को कवर करेगी। बाप बेटे के बीच रियल जनरेशन गैप को दिखाया जाने वाला है। तो आप गदर 2 की नई कहानी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं मनीषा जैन।